तो क्रैश कोर्स स्कोर 100 का इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का आज मैं थर्ड क्लास लेने जा रहा हूं। पहला और दूसरा क्लास में आप लोगों से डिस्कस किए थे रूल नंबर 6 तक कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है, फिर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, फिर कुछ सब्स्टिट्यूशन बताए थे। तो आज हम यहां पर रूल नंबर 7 देखने जा रहे हैं। रूल नंबर 7 में क्या है, देख सकते हो कि अगर कभी भी तुम्हारे पास दो या दो से अधिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का प्रोडक्ट है, ध्यान रखें दो या दो से अधिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का प्रोडक्ट है, तो सबसे पहले हम उसको सम और डिफरेंस में चेंज करेंगे। अगर कभी भी तुम्हारे पास दो या दो से अधिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का प्रोडक्ट रहेगा तो उसको हम दो या दो से अधिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के सम और डिफरेंस में चेंज करेंगे। अब सवाल यह उठता है कि सर कैसे चेंज करेंगे, तो चेंज करने के लिए तीन फॉर्मूला आता है। वो तीन फॉर्मूला हम अप्लाई करके हम किसी भी दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के प्रोडक्ट को सम में चेंज करते हैं। जैसे मेरे पास देख सकते हो एक फॉर्मूला है 2 sin A इंटू साइन बी का, तो 2 sin A इंटू साइन बी का फॉर्मूला होता है cos A - B माइनस cos A + B। फिर है 2 cos A इंटू cos B, तो cos A + B प्लस cos A - B, और यहां पे है 2 sin A इंटू cos B, तो ये हो जाएगा sin A + B प्लस sin A - B। इसी तीन फॉर्मूला को हम यूज करके दो या दो से अधिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के प्रोडक्ट को हम दो या दो से अधिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के सम और डिफरेंस में चेंज। अब हम यहां पे एक प्रॉब्लम देखते हैं। मेरे पास यहां पे है sin 4x into cos 3x, दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का प्रोडक्ट है, हमको क्या करना पड़ेगा, इसको सम या डिफरेंस में चेंज करना पड़ेगा। तो सम या डिफरेंस में चेंज करना है तो इंटीग्रेशन sin 4x into cos 3x dx। हम क्या किए, इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिए। तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किए हैं तो ये फॉर्मूला में आ गया। कौन से फॉर्मूला में आया, 2 sin A into cos B। 2 sin A into cos B का फॉर्मूला होता है sin A + B प्लस sin A - B। हम यहां पे फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 इंटीग्रेशन sin A + B। A का काम कौन कर रहा, 4x, B का काम 3x, तो sin A + B, तो ये 4x प्लस 3x आ गया 7x, प्लस sin A - B, तो ये 4x माइनस 3x के आ गया x dx। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। बाहर में मेरे पास 1/2 है तो 1/2 को छोड़ दिए। साइन है, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, तो साइन 7x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस cos 7x / 7। नीचे 7 क्यों आया, क्योंकि x के साथ 7 है, जो भी x का कोएफिशिएंट होगा वो डिनोमिनेटर में आएगा। यहां पे sin x है, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x + c। देख सकते हो कितना आसानी से बन गया। वो तीन फॉर्मूला अच्छे से दिमाग में रखना। अब हम यहां पे नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखें। मेरे पास यहां पे देख सकते हो तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मतलब तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का प्रोडक्ट है, cos 2x cos 4x cos 6x। तो तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का प्रोडक्ट, हम क्या करते हैं, दो को पकड़ते हैं और एक को पहले छोड़ देते हैं। तो हम यहां पे इस तीन में से किसी दो को पकड़े, तो हम यहां पे क्या करते हैं, cos 6x को पकड़ते हैं पहले, फिर cos 4x को पकड़े, और बाहर में हम cos 2x को रख दिए। तीन में से हम किसी दो को पकड़ लिए। क्यों दो को पकड़े, क्योंकि मेरे पास जो फॉर्मूला है वो दो के प्रोडक्ट को चेंज करने का। अब हम यहां पे 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2 से डिवाइड, तो अब यहां पे देख सकते हो ये 2 cos A into cos B के फॉर्म में आ गया। 2 cos A into cos B का फॉर्मूला क्या होता है, cos A + B + cos A - B। अब हम यहां पे फॉर्मूला लगाएंगे cos A + B + cos A - B का, तो cos A + B + cos A - B 1/2, तो cos A + B क्या बनेगा, तो cos A + B, ये देखो 6x है, ये है 4x, तो A + B क्या बन जाएगा, 10x। फिर प्लस cos A - B, 6x 4x, 6x - 4x 2x, तो ये क्या बन गया, cos 2x, और बाहर में तुम्हारे पास क्या है, cos 2x dx। अब इस cos 2x को अंदर ले आओ और मल्टीप्लाई कर दो दोनों से, तो ये 1/2 बना। ये क्या बनेगा, cos 10x into cos 2x बना। फिर इधर क्या बनेगा, ये cos 2x into cos 2x बन गया इस साइड, और ये क्या हो गया, tx। फिर यहां पे देख सकते हो दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का प्रोडक्ट आ गया,
तो दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का प्रोडक्ट आ गया, लेकिन 2 क्या है मिसिंग। जो फॉर्मूला हम बताए हैं उसमें क्या था, 2 cos a into cos b, यहां पे देख सकते हो 2 नहीं है। तो हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई किए इसको भी और 2 से मल्टीप्लाई किए इसको भी, तो यहां पे मेरे पास क्या आ गया 2, तो ये क्या बनेगा 1/4। फिर से देख सकते हो ये 2 cos a into cos b के फॉर्म में है, यहां a का काम कौन कर रहा 10x, b का काम कौन कर रहा 2x, तो 2 cos a into cos b, फॉर्मूला क्या होता cos a plus b plus cos a minus b, तो ये आ जाएगा cos 12x plus cos a minus b, क्या आ जाएगा cos 8x plus, इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्ट 2 cos square 2x का। लेकिन इन केस अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, हम इसी फॉर्मूला की मदद से इसको कर सकते हैं। इसको हम a की तरह देख रहे हैं, उसको b की तरह, तो ये 2 cos a into cos b के फॉर्म में है, इसमें भी अगर हम फॉर्मूला लगाएं तो क्या बनेगा cos a plus b, तो ये 2x plus 2x plus क्या बनेगा cos a minus b 2x minus 2x बाहर में dx, ये पूरा ब्रैकेट के अंदर आ गया। अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करें, 1/4, ये cos 12x है तो रहने दो cos 12x, ये क्या है cos 8x, cos 8x ये क्या बनेगा cos 4x, और इधर ये cos 0 बनेगा, cos 0 का वैल्यू क्या होता है 1 dx। अब हमको इसको क्या करना है इंटीग्रेट, 1/4 है तो 1/4 को हम रहने दिए। अब यहां पे क्या दिख रहा है cos 12x, cos का इंटीग्रेशन sin, तो मेरे पास आ गया यहां पे sin 12x by 12, ये 12 क्यों आया क्योंकि x का कोएफिशिएंट है 12, इसलिए x का कोएफिशिएंट नीचे आ गया। ये क्या आपके पास cos 8x, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा sin 8x by 8 plus, यहां पे क्या cos 4x, cos 4x का इंटीग्रेशन क्या आएगा sin 4x by 4, और ये है cos 0, cos 0 होता है 1, और 1 मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है कांस्टेंट इनटू x, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा 1 इनटू x, तो ये x हुआ प्लस c, ये आपका हो गया आंसर। तो यहां पे हम क्या सीखे इस रूल में कि अगर मेरे पास दो या दो से अधिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का प्रोडक्ट है तो उसको सबसे पहले हम सम में या डिफरेंस में चेंज करेंगे। अब हम देखते हैं यहां पे साइन और कॉस से रिलेटेड, ध्यान दें साइन और कॉस मतलब ये जो रूल है साइन और कॉस के सारे प्रॉब्लम को ऑलमोस्ट बना देगा। जब कभी भी साइन और कॉस के प्रोडक्ट के फॉर्म में रहे, ध्यान दे जब कभी भी साइन और कॉस के प्रोडक्ट के फॉर्म में रहे, तो हम पहले साइन और कॉस के पावर को देखते हैं, साइन और कॉस के पावर को। अगर साइन एक्स का पावर मतलब m, यहां पे देख सकते हो साइन एक्स का पावर क्या है m, अगर m ऑड नंबर है, अगर m ऑड नंबर है तो t इक्वल टू कॉस एक्स पुट करेंगे, अगर m ऑड नंबर है तो t इक्वल टू क्या पुट करेंगे कॉस एक्स, मतलब कि अगर साइन का पावर ऑड है, साइन का पावर ऑड तो t इक्वल टू कॉस, कॉस का पावर अगर ऑड है, कॉस का पावर यहां देख सकते हो कॉस के पावर में क्या है n, कॉस का पावर अगर ऑड है तो t इक्वल टू साइन, मतलब कि अगर साइन का पावर ऑड तो t इक्वल टू कॉस, और कॉस का पावर अगर ऑड तो t इक्वल टू साइन पुट करेंगे। फिर क्या है कि अगर m और n, ये दोनों m और n दोनों अगर इवन नंबर हुआ, अगर m और n दोनों इवन नंबर हुआ मतलब साइन और कॉस के पावर में अगर इवन नंबर हुआ, तो हम पहले पावर को रिड्यूस करेंगे, पावर को कम करेंगे। अब पावर को कम कैसे करेंगे, इसका भी फॉर्मूला होता है, जैसे अगर मेरे पास है कॉस स्क्वायर एक्स, तो इसको कम करने के लिए हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे 1 प्लस कॉस 2x बाय 2। यहां पे देख सकते हो पावर में क्या था 2, यहां पे पावर में क्या आ गया 1, लेकिन एंगल यहां डबल हो गया, यहां x था तो यहां क्या हो गया 2x। तो कहीं भी अगर cos स्क्वायर x दिखे तो उसके जगह पे रखना 1 प्लस cos 2x by 2 इंटीग्रेशन में, और अगर कहीं तुमको sin स्क्वायर x दिख रहा है तो उसके जगह पे रखना 1 माइनस cos 2x by 2। याद रखे cos स्क्वायर x के जगह पे 1 प्लस cos 2x by 2 और sin स्क्वायर x के जगह पे 1 माइनस cos 2x by 2। और अगर m प्लस n इन दोनों को जोड़ने पे, अगर m प्लस n नेगेटिव इवन इंटीजर हो, अगर m प्लस n नेगेटिव इवन इंटीजर हो, तो हम t इक्वल टू tan x पुट करेंगे, t इक्वल टू tan x। अब हम इस रूल पे कुछ प्रॉब्लम दिखाते हैं।
जैसे जैसे यहां पे देखो इंटीग्रेशन साइन क्यूब है, यहां पे कॉस का पावर 4 है, तुम ही रोक देखो यहां पे किसका पावर ऑड है, तो साइन का पावर ऑड है, तो साइन का पावर ऑड है तो किसको टी मानना चाहिए, कॉस को, तो हम यहां पे कॉस को टी मानेंगे, टी इज इक्वल टू कॉस एक्स। अब सब्स्टिट्यूशन के बाद पहला स्टेप क्या होता है, डिफरेंशिएशन का, तो अब हम डिफरेंशिएट करेंगे, ये आ गया dt cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin x dx। डिफरेंशिएशन करने के बाद क्या होता है कि x को हटाते हैं t लाते हैं, x को हटाते हैं t लाते हैं, चलो x हटाएंगे t लाएंगे, यहां से पहले हम dx निकाल लेते हैं आराम से, तो ये माइनस dt डिवाइड बाई क्या आ गया sin x, एकदम हम आराम से सिंपल तरीके से बता रहे हैं कि कहीं दिक्कत ना हो। अब जाके पुट करो, जिस जहां पे आराम से हटा सकते हो t मतलब x हटाओ, यहां sin cube x है रहने देते हैं sin cube x, यहां देखो cos x को हम t माने तो cos का पावर 4 क्या बनेगा t का पावर 4, यहां देखो dx है, dx के यहां पे क्या लिख सकते हैं माइनस dt डिवाइड बाई sin x, ये और ये कैंसिल होगा तो इसको कैंसिल कर दे तो माइनस तो हुआ, ये कैंसिल अगर हो जाएगा तो ये क्या आ जाएगा sin स्क्वायर x आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा इंटू टी का पावर 4 डी टी। अब यहां पे देख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स है, हम साइन स्क्वायर एक्स को कॉस में चेंज करेंगे, क्यों कॉस में चेंज करेंगे, क्योंकि हमको फाइनली पूरे को टी में चेंज करना है, जब तक टी में हम चेंज नहीं कर देते हम इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे, जब तक टी में हम चेंज नहीं कर देते हम इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे। तो अब साइन स्क्वायर एक्स है मेरे पास, तो जब साइन स्क्वायर एक्स है तो हम साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं कॉस में 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये आ गया इंटीग्रेशन बाहर में माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस, अच्छा यहां पे क्या है इंटू टी का पावर 4, तो इंटू क्या आ जाएगा मेरे पास टी का पावर 4 डी टी। अब कॉस एक्स आ गया, कॉस एक्स के यहां पर क्या रखेंगे टी, तो ये माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू टी का पावर 4 डी टी आया, फिर ये क्या आएगा माइनस टी का पावर 4 माइनस टी का पावर 6 डी टी। अब टी का पावर 4, टी का पावर 4 का इंटीग्रेशन किया जा सकता है, टी का पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या होता है टी का पावर 5/5, तो ये आ जाएगा माइनस इंटीग्रेशन, अब हम करेंगे तो टी का पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या आएगा टी का पावर 5/5 माइनस टी का पावर 6 का आएगा टी का पावर 7/7 बाहर में प्लस सी। अब नेक्स्ट स्टेप में हम वो क्या करना है टी के जगह पे क्या रखेंगे, टी क्या है कॉस एक्स, तो टी के यहां पे कॉस एक्स रखो, तो ये कॉस का पावर 5x/5 माइनस कॉस का पावर 7x/7 प्लस सी, यही आंसर। तो साइन का पावर अगर ऑड तो टी इक्वल टू कॉस, कॉस का पावर अगर ऑड तो टी इक्वल टू साइन, एकदम सिंपल तरीके से बढ़ना। यहां पर देखो साइन का पावर क्या है ऑड, साइन का पावर ऑड तो किसको टी मानना चाहिए कॉस को, तो हम कॉस एक्स को टी मानेंगे एकदम आराम से, कॉस एक्स को टी, तो अगर हम कॉस एक्स को टी माने तो कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा डिफरेंशिएशन का, तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स डी एक्स, ये क्या आ गया डी टी, तो फिर मेरे पास डी एक्स क्या आ जाएगा माइनस डी टी बाई साइन एक्स। अब जाके पुट करते हैं, तो ये आ गया साइन का पावर 5x, इस dx के यहां पे क्या रखेंगे माइनस dt डिवाइड बाय sin x, अब जो कैंसिल होता है कैंसिल करो, इसको कैंसिल कर देंगे तो ये माइनस sin का पावर 4x इंटू डी टी। पूरे को x में कन्वर्ट, पूरे को t में कन्वर्ट करना है, जब तक t में कन्वर्ट नहीं होता हम आंसर तक नहीं पहुंच सकते, हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, तो हमको t तक जाना है। अब t हम कहां से जाएंगे, t इक्वल टू cos x है यहां साइन है, तो पहले इस साइन को कॉस में बदलना पड़ेगा, तो माइनस इसको हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर डी टी। अब बताओ साइन स्क्वायर एक्स आ गया, साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो इसके जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिखते हैं हम, तो ये क्या आ जाएगा माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, अब बाहर में क्या है डी टी। अब cos x दिख गया, cos x के यहां पे क्या रखेंगे t, तो ये माइनस 1 माइनस
टी का स्क्वायर का होल स्क्वायर डीटी। अब इस पे हम ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये माइनस वन प्लस टी का पावर फोर माइनस टू टी स्क्वायर डीटी। यहां पे कौन सा फॉर्मूला लगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, माइनस वन का इंटीग्रेशन टी, टी का पावर फोर का क्या आएगा, टी का पावर फाइव बाई फाइव, और यहां टू टी स्क्वायर है तो माइनस टू टी क्यूब बाई थ्री प्लस सी आ गया। अब लास्ट में इन प्लेस ऑफ टी हमको क्या रखना है, कॉस एक्स, तो टी के यहां पे कॉस एक्स रखे, तो ये माइनस ये क्या आ जाएगा, कॉस एक्स प्लस कॉस का पावर फाइव एक्स बाई फाइव माइनस टू कॉस का पावर थ्री एक्स बाई थ्री प्लस सी, ये हो गया आंसर। एकदम सिंपल तरीके से, साइन का पावर अगर ऑड है तो टी इक्वल टू कॉस, कॉस का पावर अगर ऑड तो टी इक्वल टू साइन, साइन और कॉस दोनों का पावर अगर इवन है तो तुमको पावर को क्या करना है, रिड्यूस करना है, या किसी का भी पावर इवन है अकेला में तो उसको रिड्यूस करेंगे। अगर एम और एन का सम नेगेटिव इंटीजर है तो टी इक्वल टू टेन एक्स, अगर साइन और कॉस दोनों का पावर अगर ऑड है तो तुम किसी को भी कॉस और किसी को भी तुम रेट कर सकते हो, साइन एक्स को भी टी मान सकते हो, कॉस एक्स को भी टी मान सकते हो, दोनों तरीके से प्रॉब्लम बनेगा। यहां पे देखो क्या है, कॉस का पावर फोर, कॉस का पावर फोर इवन नंबर है, अगर कॉस पे इवन नंबर है या साइन पे इवन नंबर है केवल तो पावर को हम क्या करेंगे, रिड्यूस। पावर को रिड्यूस करने का फॉर्मूला भी हम बता चुके हैं, यहां फोर है मेरे पास, फॉर्मूला क्या है जरा फॉर्मूला पे गौर करना, कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला था वन प्लस कॉस टू एक्स बाई टू था, हुआ क्या, यहां स्क्वायर था तो यहां पावर हुआ वन, यहां एंगल है एक्स तो यहां एंगल हो गया डबल, तो मेरे पास है स्क्वायर का फॉर्मूला और यहां है पावर फोर, तो पहले इसको स्क्वायर में चेंज करते हैं, तो कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स लिख दिए। फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहां देखो कॉस स्क्वायर एक्स आ गया, कॉस स्क्वायर एक्स के यहां पर ये लिख सकते हैं, तो ये वन प्लस कॉस टू एक्स बाई टू का क्या आ गया, होल स्क्वायर डी एक्स आ गया, आराम से आ गया। अब होल स्क्वायर है, इत्मीनान से काम करेंगे, कहीं कोई टेंशन नहीं, टू का स्क्वायर फोर तो ये वन बाई फोर बाहर आया, ये वन प्लस कॉस टू एक्स का होल स्क्वायर, इसको ब्रेक करते हैं तो वन प्लस कॉस स्क्वायर टू एक्स प्लस टू कॉस टू एक्स डी एक्स। अब देखो तुम किसके साथ कंफर्टेबल हो, तुम किसको आराम से इंटीग्रेट कर सकते हो, वन का इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं एक्स, कॉस टू एक्स का भी कर सकते हैं, लेकिन यहां पे फिर से आ गया कॉस स्क्वायर टू एक्स, ये पावर को कम करना है, इसी फॉर्मूला को हम फिर से यूज करेंगे, वन बाई फोर है यहां पे वन है रहने दिए, प्लस इसके जगह पे गौर करना, यहां पे देखो एक्स था तो यहां बना टू एक्स, तो यहां टू एक्स है तो क्या बनेगा, वन प्लस कॉस फोर एक्स बाई टू, यहां एंगल एक्स था तो यहां एंगल क्या बना 2x, एंगल एक्स था तो क्या बना 2x, मतलब एंगल क्या हुआ डबल हुआ, तो यहां पे 2x है तो इसको क्या कर दिए 4x, और जो जैसे है वैसे ही रहने दिए, बाहर में क्या आ गया dx। अब हम लेते हैं एलसीएम, यहां पे देखो 2 जाएगा तो ये 1 बाई फोर तो बाहर में है ही, यहां 2 गया ये 2 बना, फिर क्या बना 1 बना ये 1, इधर से क्या बनेगा cos 4x और ये क्या बनेगा 4 cos 2x होल डिवाइड बाय 2 और बाहर में dx। अब ये 2 और 4 मिलके क्या बन जाएगा 1 बाई 8 बन जाएगा, तो 1 बाई 8 को कर दिए बाहर, यहां पे देख सकते हो 2 प्लस 1 है, 2 प्लस 1 किसके बराबर होगा 3 के बराबर, प्लस यहां पे cos 4x है और यहां 4 cos 2x है, तो ये आ गया cos 4x प्लस 4 cos 2x। अब इसी का क्या करना है इंटीग्रेशन, जो कि हम आसानी से कर सकते हैं, ये 1 बाई 8, 3 का इंटीग्रेशन 3x, cos का इंटीग्रेशन sin 4x, और चूंकि x के साथ 4 है इसे वो कहां गया नीचे, फिर यहां पे क्या आएगा 4 cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x, नीचे क्या आया 2 प्लस सी, अब ये कैंसिल हो गया तो इधर से बचा 1 बाई 8, ये आया 3x और इधर आ गया साइन 4x बाई 4, इसको कैंसिल किए तो 2 साइन 2x प्लस सी, ये हो गया आंसर।
एकदम आराम से इत्मीनान से काम करेंगे, कहीं कुछ नहीं है इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन बहुत आसान, बहुत बच्चा टाइप चैप्टर है। अब यहां पे देखो, dx डिवाइड बाई क्या है, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। यहां पे अगर हम इसको ऊपर लेके चले जाएं तो साइन का पावर माइनस टू हो जाएगा, कॉस का पावर माइनस टू हो जाएगा। तो यहां पे हम t इक्वल टू टेन एक्स मानेंगे, प्रॉब्लम बन जाएगा। लेकिन इसको बनाने का और भी आसान तरीका है, बहुत ही आसान। यहां पे कुछ नहीं है तो क्या है, वन। तो इस वन के जगह पे हम साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि हम जानते हैं आइडेंटिटीज से कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, वन के बराबर। और नीचे मेरे पास क्या है, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब हम इसको अलग अलग करते हैं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स, नीचे क्या आएगा, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, इधर क्या आएगा, कॉस स्क्वायर एक्स, इधर नीचे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब यहां से साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल, वन बाई कॉस स्क्वायर एक्स, प्लस यहां से कॉस स्क्वायर कैंसिल, ये क्या आया, वन बाई साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब जरा सोचो, वन बाई कॉस स्क्वायर एक्स है, वन बाई कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो इसके जगह पे हम क्या रख दिए, सेक स्क्वायर एक्स रखे, प्लस वन बाई साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो इसके जगह पे हम क्या रखे, कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। सेक स्क्वायर एक्स है, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, टैन एक्स होता है। कॉसेक स्क्वायर एक्स है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉट एक्स प्लस सी। देख लो कितना आसानी से बन गया, नीचे साइन स्क्वायर एक्स था इंटू कॉस स्क्वायर एक्स था, ऊपर कुछ नहीं है तो क्या है, वन। तो हम वन के यहां पे क्या लिख दिए, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, अलग अलग किए, इंटीग्रेट किए, रिजल्ट। तो ये था, हम यहां पे दो रूल डिस्कस किए। एक रूल में हम क्या बताएं कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का प्रोडक्ट है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का प्रोडक्ट है तो उसको हम सम ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या डिफरेंस ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। और दूसरा हम बताएं कि अगर साइन का पावर या कॉस के पावर में कुछ है तो उसको कैसे डील करते हैं। तो इस लेक्चर को अच्छे से देखें, जो प्रॉब्लम हम इस पे किए हैं उस प्रॉब्लम को बनाएं। अगर उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम चाहिए आपको तो नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक शेयर किए हैं व्हाट्सएप ग्रुप का, उससे आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाए। और कुछ भी प्रॉब्लम है वीडियो से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, जितना अभी हम पढ़ाए हैं इतना तक में जो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम बनता है वो प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे, जो एपिसोड नंबर 4 में होगा और इंटीग्रेशन लेक्चर 4 में होगा। तो उसको आप अच्छे से देखें और उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम उसमें हम डिस्कस करेंगे उसको अच्छे से बनाएं, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम होगा बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।